तो चलिए जानते हैं NVSP पोर्टल से EAP कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है, या आप डायरेक्ट URL टाइप कर सकते हैं NVSP.in, ठीक है। इस पे जब आप जाएंगे तो आपको डाउनलोड EAP का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले आप रजिस्टर कीजिए। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये सब सेट करना है, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप नीचे देखिए, डोंट हैव अकाउंट, रजिस्टर न्यू यूज़र, इस पर क्लिक करके आपको अपने मोबाइल नंबर, कैप्चा और अगर आपके पास एपिक नंबर है तो उसके थ्रू आप रजिस्टर कर लीजिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको डाउनलोड EAP पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास एपिक नंबर है तो वो डालिए, अगर फॉरम अप्लाई वाला रेफरेंस नंबर है तो वो डालिए। मेरे पास एपिक नंबर है, वो मैं डाल के डाउनलोड करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे पास अभी एपिक नंबर है, ये 96 वाला लगाना है अपने को। स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, स्टेट और फिर सर्च करना है। आपकी डिटेल शो होगी, आपसे OTP के लिए पूछा जाएगा, आपके लास्ट फ़ोन के नंबर हैं वो भी दिखाई देंगे कि कौन सा नंबर ऐड है आपके वोटर आई डी कार्ड में। तो सेंड OTP भी करेंगे, आपके पास OTP आएगा। OTP डालने के बाद मैं OTP फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको OTP डालना है, ठीक है, 7766 39 आपके इनबॉक्स में आएगा। इसको फिर वेरीफाई करना है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब आपको डाउनलोड करने के लिए एक कैप्चा और पूछा जाएगा, तो आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद फिर आपको डाउनलोड EAP पे क्लिक करना है, ठीक है। कैप्चा इनवैलिड है, मैं सही से फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको एक और भी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी कि इसे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव रखें, ठीक है। अभी वेरीफाई हो रहा है तो हो गया। अभी देखिए मैसेज मिलता है मेरे को, कॉन्ग्रेचुलेशन योर EAP फॉर द EAP नंबर ये हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। तो आपका EAP जनरेट हो गया है, लेकिन जब आप डाउनलोड सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ PDF फाइल मिलेगी। जैसे अगर आप मोबाइल पे यूज़ करें, ऊपर 3 डॉट देखिए, इस पर टैप करना है, यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करके देखिए, आपको ऊपरी ऊपर फाइल मिलेगी EAP, ठीक है। कौन से नंबर से जनरेट हुई है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।